हम एक ऐसे प्रोसेस में आए, ऐसे प्रोसेस का पार्ट हो जिसमें हमें थकावट ना हो, पूरी एनर्जी अपने आप मिले, ये सब सारी चीजें होती हैं ना। जैसे होता है ना, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि आए दिन उनके पास एक मैसेज होता है कि मैं सर घर जा रहा हूँ, मेरा बर्थडे है सर, घर के बगल में बर्थडे है सर, घर वालों का बर्थडे। छोटे छोटे फंक्शंस आपको खींच ले जाते हैं, या फिर छोटी छोटी समस्याएं, जैसे सर एक पेन है मेरे बॉडी में, तो सर आज मैं ग्राउंड नहीं आऊँगा, सर मेरे सर में दर्द है तो सर मैं आज ग्राउंड नहीं आऊँगा। एटलीस्ट आप, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं सर मेरे एल्बो में चोट लगी हुई है तो सर आज ग्राउंड नहीं आऊँगा। बट अगर आपका तरीका क्लियर हो जाए कि आपको जो पाना है वो क्यों पाना है, आपको जो पाना है वो कैसा आप देख रहे हो उसे, तो ये सारा दर्द, ये सारे तुम्हारा फेस्टिवल और तुम्हारा जन्मदिन या फिर घर का कोई छोटा मोटा त्यौहार जो भी होता है, ये सब कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक, और फिर भी तुम्हें फील नहीं होगा कि तुमने कुछ छोड़ा है। ऐसा होता होगा तुम्हारे सराउंड में या तुम्हारे देखने में कोई तो ऐसा होगा जो ये सारी चीजों में त्याग करके भी बहुत फील में रहता होगा, उसे मजा आता होगा। कभी महसूस किया है? कभी टीवी पे देखने वाले की किसी की इंटरव्यू सुने होगे, या फिर कभी तुम्हारे सराउंड में भी कोई ऐसा लड़का होगा, कोई ऐसा इंसान होगा जो बहुत सारी चीजों को बहुत इजिली छोड़ता होगा, उसके बाद भी वो मजे में रहता होगा, उसे लगता ही नहीं है कि वो कोई चीज छोड़ा है, किसी चीज पे एफर्ट कर रहा है, अपने काम में मजे में है। तो हर कोई चाहता है ना कि अपने काम को मजे लें और उसके बाद हमारा टारगेट हमारे तक पहुंच जाए या हम अपने टारगेट तक पहुंच जाए। इस काम को आसान करने का बेस्ट फॉर्मूला जिसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने लिखा है, व्हाट इज योर गोल, लाइफ गोल, समझ में आ रहा। अब इनमें से मैं बता दे रहा हूं, सभी का एक ही गोल होगा कि मुझे कंट्री के लिए खेलना है, सही बात है। अब इसके आगे बात करेंगे भैया, क्योंकि मैं हमेशा से आप लोगों से कहता हूं कि मुझे भैया से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। आज मैं चाहूंगा कि इसी टॉपिक पे, और वो कुछ नहीं बताएंगे, मुझे पता है, वो सिर्फ आपको आपसे दर्शन कराएंगे, आप सभी को आपसे दर्शन कराएंगे, आपके बारे में इंट्रोड्यूस कराएंगे आप ही को। बिकॉज मैंने क्या बोला, कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, तो एक प्रोसेस को जिंदा कर देना, जगा देना, जिससे सारा चीज आसान हो जाएगा, उसे ही जगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि क्या ऐसा करें जिससे आपका लक्ष्य आसान हो जाए, जिससे आपका जो भी काम है वो एफर्टलेस हो जाए, आपको थकावट ना हो, आप दिन भर ऊर्जा में रहें, रात भर ऊर्जा में रहें, आपको हमेशा फील आए कि मैं कौन हूं, मैं क्यों कर रहा हूं। समझ में आ गया? ठीक है भैया, बैठ जाओ। अब इसमें जैसे अंडर 14 कितने बच्चे हैं? अंडर 16, फिर अंडर 19, तो देखो डिफरेंट एज ग्रुप है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है चीज़ों को समझना एक लेवल से, ठीक है ना। तो जो कम एज वाले हैं वो जो जहाँ तक समझ पा रहे हैं या उससे ऊपर वाले हैं वो जहाँ तक समझ पा रहे हैं या उसके ऊपर वाले हैं वो जहाँ तक समझ पा रहे हैं। बात क्या होती है, हमेशा ठीक है, ये हमारी लाइफ है, ये एंड है, ये एक टाइम मिला हुआ है हमको पीरियड, और ये पूरा हमारी लाइफ है। अब इसमें हमारी स्टेज है 14, 16, 19, 23 सीनियर, और उसके बाद की लाइफ खत्म। हमारे पास बुद्धि है, लेकिन उस बुद्धि का हम यूज़ कैसे करते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमको क्या बनना है, किन किन एज स्टेज से पास होके जाना है, वो सब चीज़ें बड़ी इजीली होती हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में होता है कि काश हम ये कर लेते, होता है, हर आदमी सोचता है काश। अब जो 16 वाले हैं, कौन कौन 16 वाले हैं, थोड़ा सा खड़े हुए, तुम बैठ जाओ। अब ये बताओ कि 14 पास किए होगे ना, 14 निकला होगा तुम्हारे पास से, निकला होगा, तो तुम 14 के लिए
रेडी नहीं थे, रेडी नहीं थे। 14 कैसे निकला? रेडी थे कि नहीं थे? अच्छा, एक वो अंदर से पछतावा होता है कि यार अच्छे से हम थोड़ा ये कर लेते तो जब हम 14 में हमारा हो जाता, होता है ऐसा? होता है काश हम कुछ प्रैक्टिस करे होते या हमने काश कुछ ये ऐसा किया होता तो हमारा 14 हो जाता है? कुछ काश है? काश ऐसा, काश ऐसा, काश कुछ ऐसा किया होता, होता है? तो ये समझ में क्यों नहीं आता है? ये काश जो तुम्हारा है ये समझ में क्यों नहीं आता है कि काश क्या चीज़ है? काश क्या होता है? ये हमारी वो इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं उस टाइम में, जिस टाइम में हमें उसको पूरा करना था, तो वो इच्छाओं का नाम होता है काश, कि काश हमने ये कर लिया होता। क्योंकि जब हमें समझ आती है तो टाइम निकल जाता है। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, इसको छोड़ चुके हैं, लेकिन आज हम ये सोचते हैं कि अगर हमने थोड़ी मेहनत करी होती, थोड़े प्रैक्टिकल वे में अच्छे से किया होता तो ये बहुत ईजी था इसको प्राप्त करना। अब कहाँ पर आ गए? तो क्योंकि इच्छा पूरी नहीं हुई तो हमारी वो काश बन गया। अब जिस तरीके से तुमने, हमारा 14 निकला, कुछ दिन बाद 16 निकल जाएगा, फिर एक काश हो जाएगा कि काश हमने ये कर लिया होता, इन सब चीज़ों में वर्क कर लिया होता, एज रहते तो हम 16 में आ जाते तो अंदर जाना हमारा इजी पड़ता। क्योंकि यहाँ के बाद से अंदर जाना फिर इतना टफ है कि हो नहीं, बहुत पॉसिबल नहीं होता कि 23 से तुम यूपी में आओ और फिर उसके बाद इंडिया जाओ, ये करो वो करो। ठीक है, अब बैठ जाओ। तो अब 19 वाले हैं वो खड़े हुए। अब तुम लोग के पास दो काश होंगे, दो गुने, कि हम काश हमने इस टाइम कुछ मेहनत करी होती तो हम यहाँ पे होते, काश हमने और थोड़ी मेहनत कर ली होती तो हम यहाँ से एंट्री मार लेते हैं। अब काश तुम्हारे पास जब ये निकल जाएगा तब तुम्हारे पास समझ में आएगी कि काश 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 ये कर लेते, काश वो कर लेते। तो ये तुम्हारी अधूरी इच्छाएं तो होती हैं ना। काश हम क्या सोचते हैं लेट के, यार काश ऐसा करा होता तो हम ये कर ले पा लेते। वो हमारी अपनी इच्छाओं को पाने के लिए तो अब बार बार हमारे दिमाग में चीज़ें आती हैं जो अधूरी रह जाती हैं, होता है ना। बैठ जाओ। तो ये जो समय की चाल है ना, अगर आप इसके पीछे हैं, इस समय की चाल के साथ अगर आप पीछे हो तो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ ये मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलना है। और वो क्या होगा? क्या होगा? काश का मतलब समझ रहे हो ना मेरे? काश का मतलब होता है एक रिग्रेट, एक अंदर से वैसी भावना, एक कि यार अगर हमने उस टाइम, हमें ये मिल गया होता, इस तरह का प्रैक्टिस मिल गई होती तो आज मैं ये खेल रहा होता। काश मेरे उस टाइम अकल आ गई होती, मैं फालतू लोगों के साथ माथा लब घूमता रहा, काश मैंने साल भर दो साल दे दिया होता तो मैं आज यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, कहीं होता। मैंने पूरी मेहनत करी लेकिन उस तरीके से नहीं करी, उस वक्त के हिसाब से नहीं करी। हमेशा इंसान की जितनी भी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं ना, वो तभी रह जाती हैं जब वो समय के साथ नहीं चल पाता है। अगर तुम टाइम के, तुम्हें मालूम है कि अगर हमको 8 घंटे मिले हैं और हमें 7 घंटे देने हैं तो तुम्हें 7 घंटे देने हैं, वरना क्या बचेगा? काश। अब तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है गरिमा का। ये 16 खेली, 19 खेली, सीनियर खेली, ठीक है, चैलेंजर खेली, इंडिया ए में इनका हो गया, वर्ल्ड कप की जो टीम जानी थी वहाँ के लिए इनका आपस में चार जो पूरे यूपी इंडिया से टीम बनती हैं उस 60 लड़कियों में इनका नाम था, लेकिन इनका काश रह गया। और काश क्यों रह गया? क्यों? ये एक टाइम तक तो ठीक नहीं, उसके बाद इनका क्या हुआ कि समय की मार ये नहीं बर्दाश्त कर पाई, या मतलब ये समय के साथ नहीं चल पाई। जिस जगह पे इनको 4 महीने या 3 महीने की रेगुलर बिल्कुल तगड़ी प्रैक्टिस चाहिए थी, इन्होंने वो 3 महीने घूम फिर के गुजार दिए, दोस्ती यारी में, कुछ पढ़ के, कुछ उसमें
कि चलो ये वो हम कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। और फाइनली क्या हुआ, इनको टाइम क्रॉस कर गया। ठीक है, अब ये आगे प्रैक्टिस करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी। ठीक है, यू रणजी खेलेंगी, सीनियर खेल लेंगी, और मेहनत करेंगी, इंडिया खेलेंगी, लेकिन ये काश इनकी ज़िंदगी से कभी नहीं जाएगा। क्योंकि वो जो एक मतलब 19 का वर्ल्ड कप खेलना और ये कर सकती थी, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को, उस टाइम को नहीं पहचाना। तो ये काश कि इनकी ज़िंदगी से चला जाएगा, ये इंडिया खेलने के बाद भी नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो एक्चुअल में क्या होता है कि हमको हमेशा वक्त के साथ चलना चाहिए, हमको हमेशा अपने टारगेट के टाइम को समझना चाहिए कि ये हमें सिर्फ 4 महीने या 8 महीने या साल भर मिला है। अगर ये साल भर निकल गया तो उस ये लेवल इजी, ये थोड़ा सा टफ, ये और टफ, ये उससे ज़्यादा टफ, और ये इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो क्यों ना हम जितनी जल्दी एंट्री ले सकते हो उसकी कोशिश करें ना, कि 14 से एंटर हो जाएं, 16 से एंटर हो जाएं, मेन स्ट्रीम में आ जाएं, मुख्य धारा में तो आ जाएं ना। उसके बाद की प्रैक्टिस, उसके बाद की वो हर इंसान की जो इच्छाएं रह जाती हैं कि वक्त पे, कहते नहीं है कि अगर मतलब क्या पछताने से क्या होता है जब चिड़िया चिग गई खेत, तो ये वही चीज़ है, वही काश है कि अगर हमने वक्त पे ये कर लिया होता तो हमारा काश ना रहता। अगर हमने वक्त पे ये कर लिया होता तो हम वो ना सोचते, काश ऐसा होता, काश हमने ये किया होता तो हमें ये मिलता, काश हमने ये किया होता। अच्छा ठीक है, अब ये काश तो समझ के कैसे आया। ठीक है, एक समझदार इंसान जब एक चीज़ों को समझता है उसके बाद क्या करता है, उसके बाद वो इन सब चीज़ों को समझने के बाद क्या करता है कि हम को जब ये समझ में आ जाता है कि ये हमारा मेन दोस्त भी है और शत्रु भी। सदुपयोग का मतलब मेरा दोस्त और दुरुपयोग का मतलब दुश्मन। तो क्यों ना हमें अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए, अगर वो कह रहा है कि 6 घंटे मुझे साथ लेके चलो, हम तुम्हें लक्ष्य पे लेके चलेंगे, क्यों ना हम उसको साथ दें, उससे भी एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करें कि तुम हमें साथ लेके नहीं चलो, हम कोशिश करेंगे तुमसे आगे चलने की, ताकि कहीं पे अगर मेरा पेस चलो तब भी तुम मेरे साथ आ जाओ, कभी हमें बीट ना कर पाओ। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि काश हमने कितनी गलतियाँ करी हैं, हमारे जीवन में कितनी गलतियाँ हमसे हुई हैं, कि हम अगर अच्छे से समझते और उन चीज़ों को प्रॉपर उस समय कर लेते तो ये ना आता ना, नहीं आता ना। सबको ऐसा लग रहा है, सबको ऐसा लग रहा है। तो तुम लोग बहुत समझो खुशकिस्मत हो। खुशकिस्मत कैसे पूछो, खुशकिस्मत ऐसे हो कि अभी तो तुम्हारे लाइफ का 30% टाइम निकला है ना, अभी तुम्हारे हाथ में 70% तो है। अभी तुम अगर ये लेवल निकाल गए हो तो अभी तुम यहाँ पे तो हो, तो क्या अब चाहोगे कि ये काश आए मेरी ज़िंदगी में? अब चाहोगे बिल्कुल कि ये काश मेरी ज़िंदगी में आए, कि हम 2 साल 1.5 साल की प्रैक्टिस के बाद फिर सोचे हम काश ऐसा कर लेते तो हम ये कर लेते। कोई भी बेवकूफ़ इंसान भी होगा ना तो वो भी क्या कहेगा, ना भैया अब ये काश मैं ज़िंदगी में आने ही नहीं दूंगा, मैं कभी भी ऐसे काम, मैं हर काम को इस तरह से करूंगा कि मुझे कभी ये ना सोचना पड़े कि यार काश मैं ये कर लेता तो ऐसा हो जाता, काश मैं ऐसे कर लेता तो ऐसा हो जाता, काश मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। तो ये काश जो होता है ना, ये हमारी फेलर होता है, ये हमारा ना समझी है, हमारे टाइम के ऊपर काम को ना कर पाना। हर इंसान की ज़िंदगी में काश होते हैं कि अरे यार काश ऐसा होता तो वो हो जाता, काश ऐसा होता ये हो जाता, काश हमने 3 महीने ऐसे लग के कर लिया होता तो हम वर्ल्ड कप खेल गए होते। लेकिन लाइफ सबसे अच्छी फॉर्चुनेट बात, सौभाग्य की बात है कि लाइफ अभी ख़त्म नहीं हुई है, और हमें लाइफ रहते अगर ज्ञान मिल जाए तो उससे बड़ा ज्ञान ही नहीं कोई। अब तुम्हारे सर हैं,
इन्होंने बहुत मेहनत करी। दुर्भाग्य यह था कि इनके जो कोच थे वो इन्होंने उतना इंटरेस्ट नहीं लिया, उतना वो नहीं किया। ये टैलेंटेड थे, बहुत जगह इन्होंने हाथ पैर मारे, बॉम्बे गए, यहाँ गए, वहाँ गए, अच्छे प्लेयर थे, सब कुछ थे, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कई काश रह गए। वजह कि ये टाइम की गति को नहीं समझ पाए, ना इनको समझाने वाला कोई मिला। ये तो सोचते रहे हम खेलेंगे, ऐसे करते रहेंगे, एक दिन हमारा हो जाएगा, लेकिन इनको ये मालूम था कि ये निकल रहे कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम इसके बिहाइंड हो, या तो इसके साथ हो या इसके आगे रहो, ये नहीं आना चाहिए। ये आ रहा है प्रैक्टिस में, काश मैंने ये सीख लिया होता, काश मैंने, क्यों काश, सीखो तुम, प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है, सब साथी हैं, क्या नहीं कर सकते, क्यों हम काश लाएं, क्यों अपनी इच्छाओं को बाद में याद करें कि यार ये इच्छा मेरी पूरी हो जाती, ये इच्छा मेरी पूरी हो जाती, वो इच्छा पूरी हो जाती। हर इंसान की होते हैं, कोई भी भगवान नहीं होता। मैं हूँ, मैंने भी बहुत ज़िंदगी में काम करे, बहुत चीज़ें करी, अच्छे करे, बुरे करे, बहुत चीज़ें पाई, बहुत सफलताएँ पाई अपने लाइफ में, ठीक है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में भी बहुत से काश रह गए, क्योंकि लेकिन उस काश, जब कुछ टाइम कितना ये काश मेरी ज़िंदगी में आए, तो मैंने इसी से सीखा कि ये साले काश आते क्यों हैं, ये काश वो कर लेते, काश वो कर लेते, या काश वो कर लेते, चलो ठीक है ख़त्म करते हैं, अब ये काश कुछ नहीं कर लेते। अब मैंने कहा कि ये साला काश मेरा आएगा ही नहीं अब ज़िंदगी में, अब मैं वो करूँगा जो मुझे करना है, मैं सब कुछ करूँगा और वक्त पर करूँगा, ताकि मुझे कभी इस काश के लिए रोना ना पड़े, या कभी लेट के सोचना पड़े कि काश मैं ऐसा करता तो मैं ये बन जाता। तो मैं सब कुछ बन गया, क्योंकि मैंने अब इसको नहीं आने दिया अपनी लाइफ में 20 साल से। ये आज 20 साल की मेरी लाइफ में कभी मुझे आज तक एक भी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि इस 20 साल के अंदर मैंने काश ये करा होता तो मैं यहाँ ना आ पाता या यहाँ तक पहुँच जाता, क्योंकि मुझे जहाँ तक पहुँचना था मैं उसके भी आगे पहुँचा। मैंने काश आने ही नहीं दिया ज़िंदगी में अपनी। तो तुम लोगों के पास भी समय है, बुद्धि है, प्लेटफॉर्म है, अच्छा कोच है, सब कुछ दे रहा है, तो ये ना आने दो ज़िंदगी में, समझे। ये आ गया तो समझ लो तुम समय से बहुत पीछे चल रहे हो। काश हम ऐसे करते, काश तो तभी आता है ना जब वो चीज़ निकल जाती है, क्योंकि हम बैग जाके तो चीज़ों को नहीं कर सकते सीधा। हम भविष्य में क्यों, मतलब तुम जा सकते हो, पीछे जा सकते हो, अपने पास में जाके चीज़ों को बदल सकते हो, लेकिन तुम वर्तमान में तो चीज़ें बदल सकते हो ना। हमारे हाथ में जो है वो हमारा ये है, हमारा 16 है, जिनका 16 है, अगर हमारे पास एक साल है तो हमें पता होना चाहिए ना हम ये 16 के कैसे बच्चे हैं, हमें कितनी तैयारी करके इन से फाइट करना है। तो क्या हम इसके लिए हमारे पास साल भर पर्याप्त तो नहीं है, पर्याप्त जब नहीं होगा जब तुम इसकी गति से तालमेल नहीं मिलाओगे, ठीक है ना। ये दुनिया की अनंत शक्ति है, अगर इसको साथी बनाओगे तो जिंदगी में हर वो चीज पाओगे जो तुम चाहते हो, ये कभी नहीं आएगा। और अगर तुमने इसको साथी नहीं बनाया तो पूरी जिंदगी अपने बैठ के हर बार तुम यही सोचोगे कि काश हमने ये कर लिया होता, काश हमारे सर कब हमारे पास ग्राउंड था, सब कुछ था, काश हमने उस टाइम समझ लिया होता कि ऐसे करना है वैसे करना है। समझ में आ रहा है, सबके समझ में आ रहा है। तो हमेशा याद रखो कि ज़िंदगी का कोई भी काश जो हो गया उससे सीख लो कि हाँ हमने ये सब गलतियाँ करी, इतने काश मेरे बचे हैं, तो क्यों हम ज़िंदगी में और काश जमा करना चाहेंगे, कोई करना चाहेगा, बिल्कुल नहीं। सिंपल, कोई ऐसा काम ही नहीं करना है कि हमें काश रह जाए, साला काश ऐसा कर लेते, काश उस टाइम उनकी बात सुन लेते तो हमें ये मिल जाता, क्यों कह रहे हो भैया। एक सवाल है जी, बताइए। सवाल ये है कि इन बच्चों में एक चीज, एक फाइनल इनसे क्वेश्चन पूछ लें, आपको इसकी गति का महत्व समझ में आया? Yes, sir. कि अगर हम इसके साथ चलेंगे, क्योंकि ये पॉइंट है, फिर इसके बाद जो आएगा तो उससे टफ होगा ना। Yes, sir.
और उसके बाद जो आएगा वो बहुत टफ होगा, उसके बाद तो फिर चांस ही नहीं है। और हमारे पास क्या इतनी इच्छा शक्ति है कि हम इतने साल तक संघर्ष करते रहेंगे? लेकिन जब हम पूरे मन से उससे संघर्ष करेंगे, हमारे पास हिम्मत होगी, तो हम हर जगह कोशिश करके जाने की कोशिश तो करेंगे ना, तो हमारे पास बल होगा अंदर से। तो हमेशा क्या करो, जब सुबह उठा करो, जब भी डेली का अपना एक मंत्र बनाओ कि आज मैं, मुझे जो मिला है दिन, मैं अपना पूरे जित मन से जो भी मेरे कार्य हैं उसको कंप्लीट करूँगा, कोई ऐसा काम नहीं करूँगा कि जिसकी वजह से ये मेरी लाइफ में कल मैं सोचूं कि कल मैंने ये किया, कल काश ऐसा कर लिया होता, ठीक है ना। तो ये चीज़ नहीं आना चाहिए। जिस दिन इस चीज़ से तुम लोग छूट गए, उस दिन तुम इसके साथ हो गए, ठीक है। फाइनल समझ में आ गया अच्छे से? कोई भी बात पूछना हो तो पूछ सकते हो। मुझे लगता है इसमें सिंपल सी बात थी, इसको सिर्फ समझने की वाली बात थी ना, पूछना क्या है। और कोई पैसा तो सवाल बन नहीं रहा कि इसमें ये करना वो करना, क्योंकि सीधी सी बात, अगर हम समय के साथ चलें काश होगा नहीं। काश मैंने कार चलाना सीख लिया होता, मेरे पास कार खड़े खड़े सड़ गई, मैंने सीखा ही नहीं कार। मैंने स्कूटर चलाना सीख लिया होता, काश मैंने ये सीख लिया होता, काश मैंने वो अच्छे से पढ़ लिया होता तो मैं ये बन जाता, काश मैंने बहुत अच्छे से क्रिकेट सीख लिया होता तो मैं इसमें ये बन जाता। क्यों काश रह जाया? तुम्हें क्या मौका नहीं मिला? क्या ज़िंदगी नहीं मिली है? हाथ पैर नहीं मिले हैं तुम्हें? बुद्धि नहीं मिली? क्या नहीं मिला है? या प्लेटफॉर्म नहीं मिला? क्या नहीं मिला है? उसके बाद भी काश रह जाए तो फिर किसकी गलती? खुद की, हाँ, अपनी ओन की गलती। और हमेशा अपनी ओन की गलती मानना सीखो, अपने ब्लेम सिर्फ और सिर्फ अपने को देना सीखो, ठीक है। ब्लेम सिर्फ अपने को दो। अगर तुम कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हो और सही माहौल है, सब कुछ है प्रैक्टिकली, तो तुम अपने आप को ब्लेम करो, अपने इन सब कॉन्शियस को ब्लेम करो कि क्या कर रहे हो, क्यों नहीं एनर्जी दे रहे हो, क्यों नहीं वो फोकस दे रहे हो कि हम तैयारी करें। एक्सरसाइज दैट, अब टॉपिक से हटते नहीं हैं, एक टॉपिक पर रहते हैं, टाइम और काश का मतलब समझ में आ गया। टाइम निकलवाने के बाद उन कामों को सोचना काश होता है, और टाइम के साथ उन कामों को कर लेना हमारा सक्सेस होता है। हम उस मंजिल पे होते हैं जहाँ हमको पहुँचना है फाइनली, ठीक है। भैया एक सवाल था, हाँ, मतलब दोनों लगभग एक ही टाइप का सवाल है इन्हीं बच्चों के थ्रू। हाँ। एक तो सवाल प्रोसेस पे है कि मैं ये जानना चाह रहा था कि इन्हें क्रिकेटर बनने के लिए, खिलाड़ी बनने के लिए, अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए इन्हें वो इन्वायरमेंट मिल पा रहा है यहाँ से, या इसमें कोई संदेह है, पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये बच्चों के अंदर एक चीज़ दिखती है, ये चाहते हैं करना बट ये करते नहीं हैं, या ओवरऑल एज अ कोच मैं बताऊँ, ये इनके अंदर से दिखता है ये करना चाहते हैं, सभी करना चाहते हैं, सभी देश के लिए खेलना चाहते हैं, बट ये वो चीज़ जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, टाइम के साथ पकड़ना, टाइम को साथ पकड़ के चलना, या फिर काश हमारी ज़िंदगी में ना आए, ये सारी चीज़ें ये सब महसूस करते हैं थोड़ा बहुत, और चाहते हैं कि मैं इससे ऊपर निकल के कंट्री के लिए खेलूं, बस इतना सा चाहते हैं, और वो फिर ये करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ इनसे निकल के नहीं आ पाता, जिससे परेशानी कोचिंग देने में बहुत होती है और काफ़ी एफर्ट बढ़ जाता है। तो दो सवाल मेरा ये है कि क्या ऐसा करें कि जिससे इनका काम आसान हो जाए। देखिए, पहला सवाल तो है एनवायरनमेंट के ऊपर, वो है ये जो आप लोगों को मिल रहा है ये बेस्ट है, ठीक है। आप लोगों को क्रिकेटर बनने के लिए क्या चाहिए? आपको ग्राउंड चाहिए, आपको विकेट चाहिए, आपको नेट चाहिए, आपको साथी चाहिए, ठीक है, एक अच्छा मेंटोर चाहिए, सपोर्टर चाहिए। तो इन इतनी चीज़ें ऑलरेडी आपके पास हैं, ऐसा तो नहीं कि ये किसी चीज़ की कमी हो, मैचेस नहीं मिल रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं मिल रही हो, सब कुछ मिल रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, कुछ है मिटाने वाला? इसको बेटा उसको उल्टा करो, ऐसा उल्टा कर दो, उल्टा कर दो उसको, चलो रहने दो, हम यहाँ कर देते हैं, नीचे रख लेना, बैठ जाओ। एक्चुअल में क्या है कि जो प्रोसेस है वो होता क्या है कि हमारा जो फीलिंग होती है ना, तो वो हर चीज़ के लिए डिफरेंट होती है, हर चीज़ के लिए डिफरेंट होती है, कि इसके लिए अलग फीलिंग, इसके लिए अलग, इस चीज़ के लिए अलग, इस कार के लिए अलग, इस कार के लिए अलग, इस कार के लिए अलग, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग एक कोई एग्जांपल पे बात करते हैं,
कि जैसे आपको जैसे तलवार वाला कंपटीशन होता है, ठीक है, तलवारबाजी सीखा, सपोज करो कि आपको एक सैनिक के रूप में तैयार किया जा रहा है, आप सब लोगों को देखते हो राजा आजा लोग सैनिक होते हैं, वो लड़ते हैं करते हैं, ठीक है। अब आपको सैनिक बनना है, अब सैनिक बनने के लिए आपको क्या चाहिए, मतलब एक सैनिक बन, सैनिक का मतलब होता है कि एक एक लड़ाका बनना है, जैसे लड़ने वाले नहीं होते हैं जो जाके फौज में मतलब सेना के साथ लड़ते हैं, तो उस टाइप का अगर आपको एक लड़ाई करने युद्ध में जाके मैदान में आपको लड़ाई करने वाला बनना है तो आप को उसके लिए क्या चाहिए, तैयारी चाहिए, ठीक है, हथियार के साथ साथ। लेकिन हथियार का कोई मतलब है अगर आपको चलाना नहीं आता है, हैं? आपको जब चलाना ही नहीं आता है तो हथियार आपके पास पूरी पूरा ट्रक रख दिया जाए, आप करोगे क्या उसका, आपके लिए तो यूजलेस है, आप तो उठाओगे कहो उसे डंडे की तरह चलाने लगो जबकि आप गोली चला सकते हो, ठीक है ना, है ना। चलो हथियार को भी हटा देते हैं। अब आपको अगर युद्ध मैदान में जाके लड़ना है तो आपके सेंस जो होंगे, आप वहाँ किसी एक आदमी से नहीं लड़ रहे होंगे, आपके इधर गिर्द चारों तरफ दर्जनों लोग होंगे, आपको मतलब इस तरह से तैयार होना पड़ेगा कि आप सबको देख रहे हो, ऐसा नहीं आप इधर लड़ लो किसी पीछे से टाए थे काम खत्म, अब इधर देख लो इसी इधर से किसी ने दे दी। तो अगर ये सिचुएशन हमें पता होगी कि वहाँ पे हमें इस माहौल में जाना है और इस तरह से हमें लड़ना है तो आप कैसे तैयारी करोगे, आपका प्रोसेस, आप ऐसे ही थोड़े कह रहे यार तुम बहुत हट्टे कट्टे हैं बहादुर ये तलवार ले जा लड़ो, वहाँ क्या होगा तुम्हारा, बोलो बोलो इंटरेस्ट लो बताओ यार, थोड़ा हमें भी लगे यहाँ थोड़ा समझ रहे हो, तैयारी नहीं समझ में आ रही मेरी बात, फेल होंगे तैयारी नहीं होगी, समझ में आ रही है। तो अब आपको वहाँ जाना है, आपको वहाँ लड़ना है, ठीक है, अब उसके लिए आपने अपने विजुलाइज करा, पहले चीज़ें देखी, जैसे सर ने कहा मैचेस देखो, आपने मैचेस की जगह युद्ध देखे, अब हम मैच नहीं खेल रहे हैं हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अब हम अलग हो गए, हम क्रिकेट पे नहीं हैं, हम दूसरी जगह आ गए हैं कि अब हम योद्धा बनने जा रहे हैं, तो हम युद्ध देख रहे हैं, अब कैसे लड़ाई हो रही है, कौन कैसे चला रहा है, कहाँ से कौन आ रहा है, तो उसका एक विजुलाइज, एक हमारे दिमाग को एक बहुत अच्छा सा आइडिया हो गया विजुलाइज करके कि ऐसे ऐसे ये सब पॉसिबिलिटी है कि ऐसे ऐसे हमारे पास अटैक हो सकता है और ऐसे ऐसे हमको लड़ना है, आया समझ में। अब क्या हुआ, अब हमने अपने गुरु से गए, उसने बताया कि मैं तुम्हें एक प्रोसेस बना रहा हूँ और तुम इस तरीके से 6 महीने तैयारी करना, उसके बाद तुम बेहतरीन योद्धा बन जाओगे। तो मैंने कहा ठीक है सर गुरु जी, आप चालू कराइए मेरी प्रैक्टिस। अब उसने बताया कि चलो ऐसे पकड़ो और ऐसे ऐसे लड़ो, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है ना, यही पूरा सार है इस प्रोसेस का। अब गुरु ने तो बताया कि यहाँ पे तुम्हें ऐसे ऐसे लड़ना है, लेकिन तुम लड़ कैसे रहे हो, दांत निकाल के, ठीक है। तो क्या तुम वहाँ युद्ध के मैदान में से दांत लगा निकाल के ऐसे ऐसे लड़ पाओगे, क्यों तो नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि वहाँ तुम्हारे साथ रहम नहीं होगा, वहाँ तुम्हारे चार मारेंगे तो चारों टांगे और हाथ अलग पड़े होंगे और मरे पड़े होंगे। अगर तुम्हें अपने जीवन से प्यार है तो तुम यहाँ पे उस जीवन को बचाने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस करोगे, और वो प्रैक्टिस कब आएगी, जब तुम स्वयं से सोचोगे कि ये मेरा जीवन है और ये मेरा शत्रु है और मेरे चार और शत्रु हैं और मुझे इनसे हर एक से बहुत अच्छे से निपटना है। तुम्हारा पूरा फोकस उस जगह होगा, तुम्हारे दुनिया के पूरी दुनिया तुम्हारे पास कहीं दिख ही नहीं रही होगी उन 4-5 इंसानों के अलावा, और तुम अपने प्राण बचाने के लिए उनको मारने के लिए उसी तरीके से बिल्कुल युद्ध में जैसे तुम्हें लड़ाई करना है वैसे ही लड़ रहे होगे। तब क्या होगा कि वो तुम रियल चीज़ सीख रहे होगे उस युद्ध में जाने की,
और ये 5-6 महीने के बाद तुम्हें हर तुम्हारे एवरी सेंस ओपन हो जाएंगे, तुम्हें मतलब तुम्हारे कान भी सुन रहे होंगे, तुम्हारी आँखें भी चारों तरफ देख रही होंगी, स्मेल भी कर रहे होगे, मतलब तुम इतने रेडी हो गए कि कहाँ से क्या आ रहा है, हर तरह से तुम रेडी हो गए, हर एक से लड़ना चाहिए। ये कैसे आया, कैसे आया? विजुलाइज। जब तुमने ये विजुलाइज किया कि ये मेरे शत्रु हैं, अगर तुमने ये और अगर ये सोच लिया सब मेरे दोस्त हैं ऐसे ही बस सीख रहे हैं, तो तुम जिंदगी भर सीखते तो रहोगे, तुम्हें लगेगा भी आराम सीखने कर रहे हैं, लेकिन वो व्यर्थ है, क्योंकि तुम वहाँ जैसे ही जाओगे तुम्हारे तुम्हें फिर पता चलेगा अरे ये क्या साला, यहाँ तो कोई रहम ही नहीं, 5 आ गई एक साथ, चारों तरफ से घुस गई आके। तो यही हमारा प्रोसेस है प्रैक्टिस का, कि जब हम प्रैक्टिस करने जाएं एज ए बैट्समैन, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारे शत्रु हैं, दो दुश्मन हैं, ये अपोजिट बॉलर हैं जो मुझे मारना चाह रहे हैं, हमें हराना चाह रहे हैं, तो हम उनको इस तरह से खेलें कि हम इनको किसी भी हर हाल में हम इनसे जीतें, ये हमसे ना जीत पाएं। हमें फील्ड एक सपोज एक हमारा एनवायरनमेंट होता है माइंड में कि ये कवर पॉइंट, पॉइंट कवर, थर्ड मैन, ये हमें किस एरिया पे बॉल खेलनी है, किस तरह खेल रहे हैं, ये हमारी प्रैक्टिस है, ये युद्ध नहीं है। सबसे अच्छी अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात फिर से आती है, एक सौभाग्य की बात ये होती है कि हम इस प्रोसेस में जब होते हैं तो मरने का डर नहीं होता है, युद्ध वाली चीज़ सीखने में भी और क्रिकेट सीखने में भी, लेकिन वो जो डर नहीं होता है ना मरने का, वही हमको इतना पीछे कर देता है। क्यों हम मरने के डर से खेलें, जब युद्ध लड़ें तो मरने के डर से, और जब खेलें तो मरने के आउट ना होना है, मतलब आउट नहीं होने वाली बात नहीं है, रन कैसे बनाना है, किस तरह से इनको बीट करना है, किस तरीके से हम इनको हर हाल में हम इनके ऊपर भारी पड़ें। अब वहाँ बॉल आ रही, इधर भागे जा रहे हैं, वहाँ पटक रहा है, यहाँ पैर डाल के यूँ खड़े हो गए, इसके लिए मना नहीं है, ये मिसजज कर रहे हो, ये सबसे होते हैं, सब लर्नर रहे हैं, सब सीख रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन हमें खुद से करना होता है कि यार ये क्या करा, अल्लाह बॉल तो वहाँ पड़ ली, हम ये क्या कर रहे हैं। जब हम अपने से पूछते हैं ना, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, बस यहीं तक पैर रहता है, जैसे बॉल पड़ी वेट किया, आने दिया, खेल गए, नई नेक्स्ट स्टेप हुआ, 4-5 गलती, कोई 2 गलती में सीख रहा है, कोई 5 गलती, कोई 50 गलती में सीख रहा है, लेकिन साला 2-4-5 दिन में 50 गलती करके सीख तो गया, सीख गया ना। अब प्रॉपरली हम नेट जा रहे हैं खेलने, यार आज वाइंड साइंड फेंके पड़े हैं इधर उधर, सीखे ही नहीं कुछ, पता ही नहीं क्या करके आए हैं, कुछ भी नहीं पता, बस चले आए, हाँ सर वो आज 25 बना दिए, 3 बार आउट हुए, यार साला जिंदगी बना रहे हो कि बिगाड़ लो जिंदगी अपनी, खुद को मोटिवेट करो, खुद से संघर्ष करो, अपने से अपने आप से कहो कि क्या हमें जो बनना है, क्या तुम ये बना रहे हो हमको, क्या कर रहे हो, और मेहनत चाहिए, और एजिलिटी चाहिए, और लगना है, और घुसना है। एज ए बॉलर फेंकना है तो फेंकना, वाइड जा रही है, दांत निकाल के खड़े हैं, चले आ रहे हैं, फिर जा रही है, फिर चले आ, 4 फेंक दी, कोई असर ही नहीं, यार बात करो अपने से कि क्या कर रहे हो, मैच में ऐसे जब 4 होंगी तो 4 और फेंक दोगे, यहाँ तो प्रेशर नहीं है, वहाँ तो डबल प्रेशर होगा कि यार ये क्या हुआ, जब सब लोग देख रहे होंगे साला पागल हो गया क्या फेंक रहा है, तो और हाथ हिलने लगे, छोड़ने की जगह यहाँ से यहाँ छुट्टी जा रही है, को वहीं छुट्टी जा रही है, तो ये हैंडल करना कैसे आएगा, जब यहाँ पे करोगे, जब ये समझोगे ये बैट्समैन को हर हाल में आउट करना है, ये मेरा प्रतिद्वंदी है, इसको किसी भी तरीके से हमें आउट करना है, किसी भी तरीके से हम इसके ऊपर चढ़ें, हमें भी मार ना पाए, हम इसको कितने तरीके से बीट कर लें, वो जो तुम सोच रहे होगे वही तुम फिर। अब हम क्या करते हैं कि मैच को और प्रैक्टिस को बिल्कुल अलग मान लेते हैं, प्रैक्टिस तो हम ऐसे ही कर लेते हैं दांत निकाल के, मैच खेलने आते हैं तो प्रेशर, अब बैट नहीं उठ रहा, सामने वाला राक्षस दिख रहा बॉलर, ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि हम दोनों चीज़ों को मान रहे होते हैं कि मैच अलग चीज़ है, प्रैक्टिस अलग चीज़ है। अगर तुम प्रैक्टिस को हमेशा मैच मान के खेलोगे, बॉल कर रहे हो कि ये मैच चल रहा है, ये बैट्समैन है, मुझे इसको किसी भी तरीके से 4 बॉल 5 बॉल डक करानी है, इसको आउट करना है, वो तुम्हारा जो सबकॉन्शियस रीडिंग है वो चल रही होगी ना अंदर ही अंदर, तब तुम ग्रो कर रहे होगे।
तब तुम जब मैच खेलने जाओगे ना तो कोई अलग चीज़ नहीं होगी, सिर्फ वही चीज़ होगी, क्योंकि तुम ऑलरेडी करते आ रहे हो महीनों से। जब मैच खेल लोगे तो तुम्हें पता होगा कि इसको हमें कैसे आउट करना, क्या करना, उसी तरीके से तुम जा रहे हो, उसी तरीके से क्यों हमें चेंज करना पड़ता है, क्यों प्रैक्टिस में हम कुछ कर रहे हैं, फिर मैच में जाके हमें क्यों कॉन्शियस होना पड़ता है, क्यों सोचना पड़ता है। अगर तुम सोच रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस सही नहीं है। अगर तुम कुछ नहीं सोच रहे हो, तुम्हारा इंटरनल खेल रहा है, चाहे वो बॉलिंग कर रहा हो, चाहे बैटिंग कर रहा हो, चाहे वो फील्डिंग कर रहा हो, चाहे वो कैचिंग कर रहा हो, तो समझोगे तुम लर्न कर रहे हो। और लर्न वो जब ही करेगा, जब ही सीखोगे, जब तुम युद्ध में और युद्ध की तैयारी में फ़र्क करना छोड़ दोगे। तुम्हें अपनी जान बचानी, तुम्हें किसी भी तरीके से सर्वाइव करना आना चाहिए। यही एक जो गेम है वो हमको दुनिया की सिर्फ सबसे महान शक्ति देता है, किसी भी हालत में ना टूटने की, अपने आप को बचाने, हर हाल में सर्वाइव करने की। यही हमें गेम से चीज़ें मिलती हैं कि हम हर हाल में अपने आप को, हर हाल में अपने आप को बचाना सीखते हैं। तो ये कैसे डेवलप होगी? सोचने से। सोचोगे अभी थोड़ी देर बाद भूल जाओगे, लेकिन ये करते करते जब आदत बन जाती है ना, ना टूटने वाली। देखा है कैसे कैसे हमने देखे हैं कि पहले के प्लेयर थे, हार्ट टूट गया, दूसरे हाथ से टेस्ट मैच बचाने आ गए कि चार ओवर बचे, हम खेल के किसी तरीके अपना देश की जान लाज बचा। ये क्या था? ये अनब्रोकेबल थे, अनब्रोकेबल, टूटते ही नहीं थे। कुछ भी कर लो, टांग तोड़ दो, हम लेट के बैठ के खेल लेंगे, कुछ भी कर लो। ये इतने, ये इनको कहाँ से शक्ति मिली थी? ये और ये प्रोसेस उन्होंने किस तरह फॉलो किया था? प्रैक्टिस को ही मैच समझा, एकदम इन्होंने एक्यूरेट चीज समझी कि ये जो हमें करना है और जो हम यहाँ कर रहे हैं, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये एकदम सेम है। क्योंकि हम मैच 30 दिन नहीं खेल सकते, लेकिन हम 25 दिन प्रैक्टिस करके 25 मैच खेल सकते हैं। क्योंकि जितने हम मैच खेलेंगे उतने हम एक्सपीरियंस होता जाएगा। तो यहाँ पे तो सबसे अच्छी बात यह है कि चलो हमें चांस भी मिल जाता है एक आध, लेकिन वो चांस हमको ये सिखाता है कि अब हमें ये गलती नहीं करनी है। लेकिन हमने बच्चों को देखा क्या करते हैं, एक बार क्या हुआ, बोर्ड लोग हैं तो वो क्या करते हैं, आप देखना अपना वो टेम्परामेंट ही ख़त्म, खो दिया, अपना आप ही खो दिया। आप कहाँ सर, कहाँ पैर, बल लड़ जाए, हो जाए, बस उसी में। यार पहले हम लोग क्रिकेट खेलते थे भाई, हम के विकेट जितनी देर खेल लो, 1, 2, 3, 4 नंबर निकल आया, 2 घंटे खेल लो 3। अब एक दिन किसी पता चला दूसरी बॉल पे आउट हो गए, पूरे दिन थाला जो है, अरे यार थाली नीची रह गई, क्या करें, कैसे खेल गए, क्या करा, मतलब अब इतना अंदर से रिग्रेट फील हो रहा है। यार कल देखना, बिल्कुल टॉप के हिलेगा नहीं, बिल्कुल पकड़ के खेलेंगे। अपने आप को अप करते थे हमेशा कि अब कल देखना, मतलब ये नहीं सोचते था यार हम तो बिल्कुल गधे हैं, साला कुछ आता ही नहीं है, हमेशा सोचते थे सब आता है, अब देखना ये बॉल में पहचान गया, आपकी पौने तो बिल्कुल वहीं ठक से रख देंगे। इसी से रिलेटेड एक सवाल था मेरा जी, इसी से ही रिलेटेड। अभी 2 क्वेश्चन हम लोग के सॉल्व हो गए। इसी से ही रिलेटेड एक सवाल और था कि ये एक कहीं ना कहीं इंटरनल मामला है कि हम, हमारे अंदर से क्या ऐसी फीलिंग्स आएँ, जैसे ये इन्हीं की तरफ से सवाल है, क्या ऐसा हमारे अंदर से फील आए जब हम अपनी प्रैक्टिस को एक तरीके से कह सकते हैं कि उस सीरियसनेस से करें जिस सीरियसनेस से हम मैच खेलना चाहते हैं, तो अंदर से क्या ऐसा हम फील करें या क्या ऐसा देखें या कुछ भी एक ऐसा सुझाव हो जिसके, जिसको करने से ये चीज़ें अपने आप आसान हो जाएं कि हम उस पर आ ही जाएं, इस प्रोसेस पर आ ही जाएं। पूरे मन से, बिना अपने आप को नीचा माने, बिना अपने आप को कमज़ोर माने, सिर्फ और सिर्फ ये हमको उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां हम जाना चाहते हैं, पूरे मन से और पूरी श्रद्धा से। ठीक है, सिर्फ सिर्फ ये प्रयास ही हमको हर चीज़ सिखाता है। हम करते 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 सीख जाते हैं, लेकिन यही जब करना छोड़ देते हैं तभी हम कुछ नहीं सीख पाते हैं, समझे? तो हमेशा बिलीव करना चाहिए कि हमें बस कोशिश करते जाना है, कोशिश करते जाना है, करते जाना है, कब तक नहीं होगा, लगे रहें। बहुत दुनिया की हर चीज़ इससे मिलती है प्रयास करने से। ठीक है,
तो आप लोगों को प्रयास के साथ प्रोसेस को फॉलो करना है और विजुलाइज करना है कि हम मैच खेल रहे हैं, हम जब जाएं, और वो विजुलाइजेशन ऐसा होना चाहिए, देखो हमारा सबकॉन्शियस जो हमारा अवचेतन मन है, जो हमारी हमारे इंटरनल सारे चीज़ को चलाता है, सांस लेना, ब्लड का सर्कुलेशन, पंपिंग, हार्ट की, ये वो हर चीज़ वही चलाता है, ठीक है। तो लेकिन वो बहुत चालाक होता है, अगर तुम उससे झूठ बोलोगे तो वो कभी यकीन नहीं करेगा, उसकी एक आदत है। आप उसको कहो कि ये झूठ मूठ, उसको उल्लू बनाना चाहोगे, भाई ये चाय गर्म नहीं, उंगली डाल दो, कभी नहीं डालेगा, उसको पता है साला झूठ बोल रहा है। हम अपने से झूठ बोल रहे हैं, वो एक मिनट में पहचान जाता है। तो अगर हम विजुलाइज, हमसे कहते, हमने कहा विजुलाइज करना, हाँ 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 हम मैच खेल रहे हैं, किससे कहोगे? अपने सबकॉन्शियस को तो बताओगे, जब ही तो वो फोकस होगा मैच खेलने के लिए, जब जा रहे हो तब तो उसको बताना ही नहीं, उसको तो खुद देख रहा है कि हाँ मैच खेल रहे हो, लेकिन जब प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो वो भी उसको देख रहा है तुम प्रैक्टिस करने जा रहे हो, मैच नहीं खेल रहे हो। Exactly. लेकिन उसको उल्लू कैसे बनाओगे? उसे तो सब कुछ पता है, उसको तो पता है तुम प्रैक्टिस करने जा रहे हो, मैच नहीं खेल रहे हो। तो वो जो विजुअलाइज करना होता है ना, वो इतना रियल करेंगे, इतना रियल कि मतलब बस हम मैच खेल रहे हैं, भैया ये प्रैक्टिस नहीं है, मैच ही है, खेलो, मैच है, खेलो। हम खुद उस झूठ को सच मानने लगे, जब हम खुद उस झूठ को सच मानेंगे तब वो तुम्हारा सबकॉन्शियस उस झूठ को सच मानेगा, एक्सेप्ट करेगा, करेक्ट, मेरा, वरना वो कभी भी तुम उसको उल्लू नहीं बना सकते कि ये 10 फीट की खाई है, अरे ये 2 फीट है यार, कूद जाओ, कूद के दिखा दो, वो कभी नहीं सुनेगा, फिर झूठ बोल लो, सामने सामने दिख रहा है। एक्चुअल भैया यही होता है, ये बच्चे कोशिश करते हैं, करना सभी चाहते हैं, बट इसमें जब कंट्रोवर्सी होती है, लड़ाई होती है सबकॉन्शियस और अपने कॉन्शियस के बीच, कॉन्शियसली ये कहना चाहते हैं हम, ठीक है, कॉन्शियसली ये कहना चाहते हैं कि मैं मैच खेल रहा हूँ प्रैक्टिस को, और ये तैयारी भी करते हैं, स्टार्ट भी करते हैं, बट इनका सबकॉन्शियस जो है थोड़े देर के लिए मानता है, उसके बाद फिर वो छोड़ देता है, वो लड़ाई करने लगता है, वो हमेशा का है, वो हमेशा का है, इसी के बीच में ये प्रयास को छोड़ देते हैं। हाँ, ये हमें देखो, हमने क्या कहा कि वो बेवकूफ नहीं है, वो जितना तुम जानते हो ना उसका 100 गुना ज्यादा जानता है, तुम उसको कभी भी बेवकूफ नहीं बना सकते। उसको कोई भी इमेजिनरी चीज अगर तुम बताओगे कि ये सही है, वो कभी यकीन नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम उसको बार बार कहोगे कि यार यही एक तरीका है, इसी तरीके से हम जीत सकते हैं, और यही एक तरीका है, ये मैच और प्रैक्टिस क्या होती है, एक ही तो चीज़ है, अगर हम यहाँ सीख जाएंगे तो यही चीज़ वहाँ जाके अप्लाई करना है, बस ये है कि यहाँ खेलना है, वहाँ पे जाके वैसे खेलना है। अपने सबकॉन्शियस को इतना यकीन दिलाओ कि ये और वो, अगर तुमने ज़रा सा ये फ़र्क किया तो कुछ नहीं आएगा, मेहनत करो, समझो ये रियल ही है, ये रियल है। बहुत से लोग होते हैं, देखते होंगे, वो थोड़े से बहुत सी ऐसी चीज़ों को इमेजिन करने लगते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं है दुनिया में, लेकिन वो मानने लगते हैं ये है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, एक समय बाद वो क्या होता है। चलो अब सब छोड़ो, हम लोग सबसे एक बिग टॉपिक पे आते हैं, रिलीजियस और भगवान। तुम में से किसी ने देखा है? तुमने देखा है? मानते हो? कैसे माना? बिना देखे बिना समझे कैसे मान लिया? बार बार क्यों गए? तुमने यकीन करा, उसको यकीन दिलाया कि ये है, मानो, यकीन दिलाया, उसने मान लिया, इतनी बार यकीन दिलाया कि अरे भगवान जी जरा सही कुछ करोगे काम खत्म, अभी तुम्हें ऊपर भेज देंगे, अभी तुम्हारा बुरा हो जाएगा, अभी तुम्हारा ये हो जाएगा। उसको इतना डरा दिया कि वो साला सच में मानने लगा, हाँ भैया भगवान तो होते हैं, जो देखा ही नहीं ना किसी, सिर्फ ग्रंथों में सुन लिया, पुराणों में पढ़ लिया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये था वो था ये था, बट यकीन ऐसा कि अभी बाहर निकाल दो तो भी लौने मरने चालू हो जाओ, किसी ने जरा सा वो मूर्ति पे उपयोग कर दिया तो को अभी तुम अधे लेके खड़े हो जाओ, फिर सारा मार डालेंगे, ये करा मेरे भगवान के साथ ऐसा हो गया। कहाँ से आया यकीन, कहाँ से आया? देखा कभी? देखा भगवान जी को? तो इतना श्रद्धा, इतना भाव, इतना यकीन कहाँ से आ गया? तो ये कोई पॉसिबल चीज़ है कि उसको उल्लू बना सकते हो दोबारा?
कि ये जो खेल रहे हो, मैच खेल रहे हो, ये खेल रहे हो, इसमें फ़र्क कोई थोड़ी है। ये सेम वही बॉलर होते हैं, वही विकेट होता है, वही चीज़ें होती हैं, वही तुम होते हो, वही बैट होता है, वही स्टम्प होता है, तो फ़र्क कहाँ से आ गया? क्यों नहीं तुम उसको यकीन दिलाते हो, उसको क्या क्लियर समझ लो कि यही मैच है, यही मैच है, कुछ नहीं है, यही मैच है, यही खेलना है तुम्हें। वहाँ तो सिर्फ तुम्हें जाके टेस्ट करना है कि तुम क्या कर पा रहे हो, क्या नहीं कर पा रहे हो। बाकी तुम्हारा 80% 90% जीवन तो यही है, 10% तुम्हें वहाँ देना है। वो 10% को अलग कैसे कर सकते हो तुम? तुम यहीं से जो चीज़ें सीख लोगे, समझ लोगे, वही तुम वहीं तुम्हें रिटर्न देंगी। जो एक्शन वही रिएक्शन, जो एक्शन वही रिएक्शन। हम यहाँ जैसे दौड़ते हैं मैच में भी वैसे ही दौड़ेंगे, हम वहाँ जैसे शॉट खेलते हैं मैच में भी वैसे ही खेलेंगे। सिर्फ रेप्लीकेट करते हैं ना, दोहराते हैं वो चीज़ों को वहाँ पे। तो जो दोहराना है वही तो सीखो। क्यों यहाँ इतने लापरवाह हो जाया है? होने तो बोर्ड लोग है यार, दांत निकाले खड़े हो, शर्म आनी चाहिए। बोर्ड लोग है, शर्म का इन द सेंस कि समझो किस बॉल पे बोल्ड हुए हैं, ये बॉल को पहचानो। ये तुम्हें वक्त तुम्हें सिखा रहा है कि देखो इसको सीखो, उससे आगे बढ़ो, ये चीज़ों को सीखो और आगे बढ़ो। इन चीज़ों सीधा से बात है, तुम्हारा सबकॉन्शियस बेवकूफ़ नहीं है। अगर तुम आधे अधूरे मन से कहोगे यार मैच खेलने जा रहे हैं, तो कभी यकीन नहीं करेगा। और तुम सोचोगे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं होगी जो होनी है। तुम्हें उसको यकीन दिलाना पड़ेगा, हर हाल में दिलाना पड़ेगा कि तुम मैच खेल रहे हो, तुम विजुलाइज कर रहे हो। तुमने उस एक माइंड की स्टेज वो आना चाहिए कि तुम्हें सोचना ही नहीं पड़े तुम मैच खेल लो, तुम बिल्कुल तैयार हो और जाओ अपने आप सबकॉन्शियसली खेलने लगो कि हम मैच खेल रहे हैं। तुम्हें सोच के जिस दिन ना जाना पड़े ना कि तुम मैच खेल लो, उस दिन तुम समझ लेना तुमने अपने सबकॉन्शियस को बिल्कुल सही से समझा लिया कि वो अब उस चीज़ों को मानने लगा है कि तुम मैच खेल रहे हो, और वो प्रॉपर उसी हिसाब से रिप्लाई देने लगेगा। चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, चाहे कैचिंग हो, चाहे कुछ हो, गेम से जुड़ा हुआ पार्ट, वो फोर्स, वो ताकत जो मैच हमको देता है, अगर हम सबकॉन्शियस को अपने तैयार कर लें, मना लें कि हम मैच ही एनवायरनमेंट में हैं, तो वो ताकत वो तुम्हें हर बार देगा। और वो जो सीख रहा होगा ना, ग्रोथ कर रहा होगा, वो तुम्हें बहुत आगे तक लेके जाएगा। ठीक है, फाइनल। तो हाँ, एक्चुअल में क्या होता है उसके हम प्रोसेस से बोर होने लगते हैं, चीज़ों से बोर होने लगते हैं। तो हमें अपने आप से सिर्फ ये पूछना चाहिए क्या सच में चाहते हो। जब हमें ऐसा लगे हम प्रोसेस से हट रहे हैं, क्योंकि देखो कोई बच्चों का खेल नहीं है कि एक दिन में सीख लिया, दो दिन में, मेहनत करनी पड़ती है, अपने दिमाग को सेंटर रखना पड़ता है, चीज़ों की तरफ बिल्कुल तड़प होना चाहिए उसको पाने के लिए, हर करने के लिए। और जब हम कुछ दिन करने के बाद कुछ बोर होने लगते हैं, या हम जो डिज़ायर रिजल्ट चाह रहे होते हैं वो नहीं आ रहा होता है, तो हमारे प्रयास स्लो होने लगते हैं। लेकिन उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन तो बनता है ना, जब प्रयास स्लो हो रहे हैं तो वो चीज़ करने क्यों जा रहे थे? अगर करने जा रहे थे तो क्या सच में उसको चाहते थे? अगर तुम सच में चाहते थे, हो सकता है तुम बोर होने लगे, लेकिन एक बार रिमाइंड करो कि क्या हम सच में इस चीज़ को चाहते हैं, तो तुम्हें लगेगा हाँ चाहते हो। लेकिन अब तुम फिर से वापस आओ उसी एनर्जी से, ऑटोमेटिक आएगा उसी एनर्जी से फिर से वापस आओ, फिर प्रयास करो उसी मेहनत से, उसी लगन से, तो वापस तुम उसी ट्रैक पे आ जाओगे, फिर से वही चीज़ें पाने लगो, करने लगोगे। क्योंकि जब चीज़ें नहीं हो रही होती हैं या कोई दिक्कत हो रही होती है, तो सीधी सी बात है हम भटकने लगते हैं। लेकिन अगर बार बार हम अपने से ये पूछें तो हम नहीं भटकेंगे, ये हमें एनर्जी देगा कि हम सच में चाहते हैं, अगर हैं तो हम वापस आ जाएंगे, और सच में नहीं चाहते थे तो तुम एक्चुअल में टाइमर बात कर रहे थे, तो तुम छोड़ दोगे हमें। जब चाह ही नहीं रहे तो छोड़ दोगे, और जब चाह रहे हो तो फिर तो छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है,
फाइनल। एक छोटा सा सवाल मेरा और था, इसलिए आपका समय, लास्ट क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, मैं ये बात तो बताना चाहूँगा कि आपका समय बहुत ही कीमती है और बहुत कैसे आप निकाल के और दे पाते हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। और इसको मैं आज से पहले भी बहुत बार बच्चों को बता चुका हूँ। मेरा एक सवाल ये आखिरी है कि मैंने स्टार्ट किया था व्हाट इज़ योर गोल, लाइफ गोल, ये जो काम कर रहे हैं इसमें, इनको काम करने में जो अभी जैसे इन्होंने सवाल पूछा, जिसे जिसके बीच में इनको पूछना पड़ता है कि क्या सच में मैं चाहता हूँ करना, अगर मुझे लगता है कि अपने गोल को साफ तरीके से देखने लगें, अपने गोल को बिल्कुल क्लियर हो जाए, अपने गोल के प्रति बिल्कुल एकाग्र हो जाए, एकदम एक अलग तरीका हो जाए जिसकी वजह से इनका काम आसान हो सकता है, तो इस गोल को साफ करने का क्या तरीका है जिससे इनके माइंड में इनका गोल बड़ा इम्पैक्ट करे, बहुत अच्छे से दिखे कि हाँ हमारे जीवन का ये लक्ष्य है। सुबह हम लोग जैसे बात कर रहे थे, मुझे तो जवाब मिल गया इन सारी चीज़ों में, थोड़ा इनके लिए और साफ करना चाह रहा था मैं। वही चीज़ थी, ठीक है, सही लिखा है। हाँ, चाहना हमारा कोई गोल जी जिसको हम चाह रहे हैं जी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा 10% काम करता है। करेक्ट, क्योंकि डिज़ायर, इच्छा या चाहना को उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती है वो, जो हमें अपने गोल की तरफ ले जाती है, ठीक है। चाहना, गोल को पाना, मतलब ये सब चीज़ें बस एक बहुत नॉर्मल होती हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोग सुबह बात कर रहे थे कि अगर हमारी हर हाल में, हाँ करेक्ट, इसके बारे में सुबह अगर ये चाहने के साथ लगा हुआ है, मुझे अपने लक्ष्य को हर हाल में पाना है, तो आपका लक्ष्य हमेशा आपकी आंखों के सामने रहेगा। करेक्ट, ठीक है। तो ये जब इच्छा शक्ति पैदा कर होती है कि मुझे हर हाल में ये चाहना है, तो हम हर हाल में उसको करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट, फिर हम कभी कहीं नहीं भटकते हैं, सीधा, जैसे घोड़े को देखा उसके यहाँ पे ऐसे बांध देते हैं तो उसको कुछ दिखते ही नहीं रहोगा, उसको क्या हो रहा होता, सामने, सिर्फ सामने देख रहा हो, सिर्फ सामने चलता चला जा रहा होता है। इसी तरीके जब हम हर हाल में चाहते हैं ना लक्ष्य, तो वो लक्ष्य भी हमको यूँ सामने दिख रहा होता है, फिर हमें कुछ नहीं दिख रहा होता है, बस हम सीधे उसकी तरफ चलते चले जाते हैं। फिर जब हम इस मोड, इस भावनाओं में होते हैं, तो हमको रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं, हमें खुद अपनी क्षमताओं का आकलन होने लगता है, और हमें ये भी पता होने लगता है कि अभी हमें और कितने प्रयास करने पड़ेंगे कि ये हमें मिल जाए। ये तब हम अपने आप को मतलब समझने लगते हैं, अपनी क्षमताओं को और क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इन सब को। फाइनली आप लोग ने जो समझा है, सीखा, जो भी बात समझ में आई, मेरा कहने का फाइनली ये मतलब रहेगा कि हमेशा ऐसे प्रयास करो कि ज़िंदगी में क्या हो, काश ना आए, ठीक है। अगर ये आ रहा है तो तुम्हें समय हरा रहा है, और ये नहीं आ रहा है तो तुम समय से साथ या आगे चल रहे हो। तो हमेशा जीवन में जिस दिन काश आए तो समझ लेना आज तुम हार गए, और फिर तुम्हें समय में दे रहा है, वक्त दे रहा है, मौका दे रहा है कि चलो मुझसे जीत के दिखाओ। वो रोज़ तुम्हें, तुमसे स्पर्धा करेगा, रोज़ तुम्हें मौका देगा, चलो आज फिर मुझसे जीत के दिखाओ, और तुम्हें रोज़ ये दे के जाएगा, काश मैंने ऐसा कर रहा होता तो मैं ये कर लेता, काश मैंने। तो जीवन भर याद रखो कि जितने काश थे, प्रतिज्ञा करो कि ये काश मेरे आखिरी थे, अब मेरे जीवन में कोई ऐसा काश नहीं आएगा कि मैं सोचूं कि काश मैंने ये करा होता, या मैं ये चीज़ें इस टाइम कर लेता तो मैं ये बन जाता। अंडरस्टैंड फाइनली। चलिए, ऑल द बेस्ट। रैली मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, बहुत कुछ, और इन लोगों के लिए, सभी के लिए, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें समझ में तो सबको आई होंगी, डेफिनेटली आई होंगी। अगर इसको समझने में एफर्ट कर रहे हो या लग रहा है, तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है। इसमें एक शब्द लिखा हुआ है, प्रयास, मैं इसी पे आता हूँ, प्रयास लिखा हुआ है, इसका प्रयास करते रहो, आगे के क्लासेस का इंतज़ार करो, ठीक है, और इसको अपने प्रयासों में रखो, निश्चित ही
कुछ क्लास के बाद ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, बहुत सिंपल वे में बहुत कुछ समझाया भैया ने आप लोगों को, आई होप कि सबको समझ में आया। लगता है कि बहुत नॉर्मल लैंग्वेज थी, कोई मतलब ये एक प्रैक्टिकल चीज थी कि क्या है और क्या नहीं है, तो कहीं से मुझे तो नहीं लगा कि कोई टेक्निकल भाषा नहीं थी इसमें, एक सरल भाषा में था चीज़ें, हम सब समझ सकते हैं बहुत आराम से। बस मैं चाहूँगा कि तुम सबकी ज़िंदगी में ये ना रहे, ठीक है, जो हो गया हो गया, जब तक नहीं पता था ठीक था, अब तो पता हो गया है ना, अब देखते हैं साला कैसे आता है। ठीक है, रोज़ हमारा युद्ध होगा समय से और रोज़ हम उससे आगे चलेंगे ताकि हम उस मंदिर तक जहाँ पहुँचना है उससे पहले पहुँच जाएँ, वो ना निकले हम पहुँच जाएँ। ठीक है, फाइनल, ठीक है, बाकी तरीके फॉर्मूले आप लोगों को मिलते रहेंगे सिस्टम से। ठीक है, अब बिलीव करिए कि आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पे आपको चीज़ें वो मिल रही हैं, ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा है जो करेक्ट है, आपको ये बिलीव करना होगा और उस पर रह के जहाँ पे भी आप उलझ रहे हो फंस रहे हो इन सारी चीज़ों में, आप डिस्कस करो, पहले सेल्फ डिस्कस करो, उसमें अगर चीज़ें नहीं क्लियर हो पा रही हैं तो आप सामने वाले से डिस्कस करो, मतलब अपने कोच से जाके डिस्कस करो, सारी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आया होगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड या क्रिकेट से रिलेटेड, जीवन से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी बात अगर मन में उपज रही है तो अगर वो दिमाग में लॉन्ग टर्म में नहीं रहता है ना तो उसे नोट डाउन कर लो और जब मिलो तब पूछ लो, जब भी सामने पड़े पूछ लो, समझ में आ रहा है? नहीं तो चीज़ें क्या होती हैं, आती हैं और चली जाती हैं, आती हैं और चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं, उस तरीके से हमारा दिमाग उलझता चला जाता है। ठीक है, तो बेस्ट तरीका ये भी है कि आप नोट डाउन किया करो जितनी सारी चीज़ें आपने सुनी हैं, ये बहुत सारे लोगों के लिए नया भी होगा, बहुत सारे लोगों के लिए पहले से पता होगा जिसको आज जगाया गया, सही बात है? Yes, sir. और मतलब ये सारी चीज़ें लगभग लोगों के लिए तो होंगी, पहले से पता होंगी जिसको आज रिकॉल कराया गया, लेकिन फिर भी ये पहले से था और दिमाग में नहीं घर कर रहा था, आज इसे सुन के लगा कि हाँ ये तो पहले से ही सुना हुआ था, ये चीज़ें तो ठीक, तो इसका बेस्ट फॉर्मूला ये है कि आप इसे नोट डाउन कर लो, अच्छी चीज़ होगी। आप अपना डायरी जो भी मेंटेन करते हो, जिसकी आदत आपको है, उसमें आप इन चीज़ों को जिक्र करो, लिखो और उसको खोलो पढ़ो देखो, चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, बस आज की क्लास आज खत्म, ठीक है भाई, बंद कर दो उसको, सक्षम बंद करो उसे, थैंक यू भैया।